ये सिंगल डोर का फ्रिज है, इसका कंडेंसर हम लोग नया डाल रहे हैं, देख सकते हैं। इसका कंडेंसर लीकेज था शायद अंदर से, तो इसका कंडेंसर भी हम चेंज कर दिए और ये कनेक्शन कर रहे हैं। ये डिस्चार्ज लाइन है इसका, अभी इसका डिस्चार्ज लाइन का हम ज्वाइंट करेंगे, आपको दिखाएंगे ज्वाइंट करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखते रहिए स्टार्टिंग से। ये टॉर्च है जिससे हम लोग ब्रेजिंग करते हैं। इसको पहले हम अच्छे से हीट करेंगे, हीट करने के बाद इसको ब्रेजिंग करेंगे। ये देख सकते हैं, अभी हम ब्रेजिंग करने जा रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये फ्लश पाउडर लगा रहे हैं। क्या होता है कि जब कॉपर और लोखन आपस में ज्वाइन करते हैं तो फ्लश पाउडर लगता है। क्या है कि जो लोखन रहता है वो जल्द ज्वाइन नहीं होता है, ब्रेजिंग पकड़ता नहीं है, इसलिए हम फ्लश पाउडर लगाते हैं ताकि अपना ब्रेजिंग पकड़े कॉपर के साथ। तो ये देख रहे हैं, देख सकते हैं फ्लश पाउडर लगा के ब्रेजिंग होता है। हमारा ब्रिजिंग कंप्लीट हो गया। ये हम चार्जिंग लाइन इस को लगा रहे हैं। ये अपना NRB है, यहाँ पे चार्जिंग लाइन लगता है, NRB लगा रहे हैं हम। ये NRB पे प्लस पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कैसे कि ये दोनों कॉपर ही है, NRB और ये कंप्रेसर का जो पाइप है, यहाँ पे प्लस पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये देख सकते हैं, ये काम ये भी हो गया ज्वाइंट मार के, कंडेंसर अच्छे से लग गया है। अब इसके बाद हम इसको कंप्रेसर ऑन करके फ्लश करेंगे ताकि थोड़ा बहुत जो इसमें डस्ट हो ब्रेजिंग करते वक्त वो निकल जाएगा। ऐसे तो कंडेंसर नहीं हुए, फिर भी एक दो राउंड हम फ्लश कर देते हैं ताकि जो ब्रेजिंग के वक्त डस्ट जाता है वो निकल जाता है। ये देख सकते हैं फ्लश कर रहे हैं। ये फ्लश करने के बाद हम स्ट्रेनर का ज्वाइंट मारेंगे। ये देख सकते हैं, ये स्ट्रेनर है, अब इसको हम ब्रेजिंग करेंगे। इसमें एक छोटा सा कैपिलरी का पाइप कैपिलरी ज्वाइंट किया है, वहाँ से हम सेल वैक्यूम करेंगे। सेल वैक्यूम के लिए वो कैपिलरी का टुकड़ा लगाते हैं, पूरा फाइनल होने के बाद हम वहीं से सेल वैक्यूम करते हैं। ये पहले ओल्ड वाला स्ट्रेनर था इसलिए उसको कैंसिल कर दिए। क्या है, कभी भी गैस चार्जिंग करते वक्त फ्रिज का गैस चार्जिंग कर रहे हैं आप, तो स्ट्रेनर चेंज कर दें ताकि उसमें जो डस्ट या मॉइस्चर हो उसमें आगे चल के प्रॉब्लम ना दे। क्या ब्रेजिंग में टाइम लगता है? ये क्या कॉपर और लोखन है, इसकी वजह से टाइम लग रहा है ब्रेजिंग करने में? क्या फ्लश पाउडर लगाना पड़ता है इस पर? जैसे आपको बताया कि लोखन और कॉपर को आपस में ज्वाइंट करने के लिए फ्लश पाउडर यूज करना पड़ता है, नहीं तो
लोखन पकड़ता नहीं ये ब्रीजिंग। ये होने के बाद अब हम कैपिलरी का जॉइंट मारेंगे। ये इसका कैपिलरी पकड़ा, ये हल्का पकड़ से पिंच कर देते हैं ताकि ये निकले ना। कभी भी ब्रीजिंग करते वक्त आप पहले पाइप को अच्छे से हीट करें, जब हीट हो जाए तो ही ब्रीजिंग रॉड लगाएं। इससे क्या फिनिशिंग आता है ब्रीजिंग में, आप ब्रीजिंग भी होता है अच्छे से। जब तक पूरा हीट नहीं होगा ब्रीजिंग पकड़ता नहीं है। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया ब्रेजिंग करके। इसके बाद हम सेक्शन लाइन से इसको फ्लश करेंगे। ये जो कूलिंग कॉइल से पाइप आया हुआ है सेक्शन का, यहाँ से हम लोग फ्लश करेंगे पूरे सिस्टम के साथ ताकि अच्छे से फ्लश हो जाए। फ्लश करने के लिए हमें कंप्रेसर को ऑन करना पड़ेगा। कंप्रेसर को ऑन करने के बाद ये सेक्शन लाइन से फ्लश करेंगे। इससे क्या जो कॉइल में लीक में डस्ट गया रहेगा वो भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। देख सकते हैं ऑयल आ रहा है लेकिन ऑयल क्लीन है, इसमें डस्ट नहीं है। हल्का ऑयल आता है चलता है, अगर ऑयल ज़्यादा रहा और कचरा रहा तो हमें उसको अच्छे से क्लीन करने के बाद ही जॉइन करना पड़ेगा, नहीं तो गैस चार्ज करेंगे तो गैस अपना चॉक ऑफ हो जाता है। देख सकते हैं अब इसका हम ज्वाइंट करें, फ्लशिंग हो गया। ये सेक्शन का ब्रिजिंग करने के बाद पूरा कनेक्शन होने के बाद पाइपलाइन का, फिर हम इसको सेल वैक्यूम करेंगे। अब ये सेक्शन का पाइप हम लोग ब्रिजिंग कर रहे हैं। ये हमारा सेक्शन पाइप ब्रिजिंग कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम सेल वैक्यूम करेंगे। ये देख सकते हैं सेल वैक्यूम करने के लिए हमें कंप्रेसर को ऑन करना पड़ता है। कंप्रेसर ऑन करके रखते हैं और ये जो कैपिलरी का टुकड़ा है वहाँ से देखते हैं एयर तो नहीं आ रहा है ना। जब वहाँ से एयर आना बंद हो जाएगा तो हम उसको ब्रिजिंग करके पिंच कर देंगे। अभी हम कंप्रेसर ऑन किए, ऑन करके रखे। अभी ये हमारा वैक्यूम सेल वैक्यूम कंप्लीट हो गया। अब इसको हम ब्रिजिंग करके पिंच कर देंगे। देख सकते हैं यहाँ से एयर आना बंद हो गया है। यहाँ से जब एयर आना बंद हो जाए तो समझ ले सेल वैक्यूम हो गया। इसको हम सेल वैक्यूम करते हैं। सेल वैक्यूम करने के लिए कंप्रेसर को ऑन करके सेल वैक्यूम होता है। ये देखिए हो गया, रेडी हो गया।
अब हम गैस चार्ज करेंगे। गैस चार्ज करने के लिए पहले हम गैस को एक पाइप जाने देते हैं, उसके बाद हम एंटीमोस डालते हैं ताकि अंदर जो मॉइस्चर रहेगा एंटीमोस से क्लीन हो जाता है। अब इसमें एंटीमोस डालेंगे, ये मॉइस्चर को कंट्रोल करता है। पाइप को हाथ से पकड़ के चेक करें कि कंडेंसर हीट हो रहा है कि नहीं। कंडेंसर हीट होगा तो कूलिंग करना चालू हो जाएगा। जैसे गैस हो गया कितना हुआ है? 10 पॉइंट है। 10 हो गए पक्का? ये हाई है। 10 पॉइंट हो चुका है गैस। क्या अंदाज है? 10 पॉइंट ही रहता है, क्या रिटर्न? इसलिए हमने 10 पॉइंट डाला है। 10 पॉइंट में देख सकते हैं कूलिंग अच्छा आ रहा है। बहुत खतरनाक हीटिंग पूरा कंडेंसर हो गया, ये नीचे तक हीटिंग आया है। चल चार्जिंग कंप्लीट हो गया। अब हम इसका वाटर का ट्रे लगा के कंप्लीट कर दे रहे हैं। ये ओके हो गया।